डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज 2.6 के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। 3 के आर पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड और फार्मूले बताने जा रहा हूँ कि आपको फंक्शन दिए जाएंगे हाइपरबोलिक में। तो जब हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे तो उस वक्त आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसका कैसे डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, आइए आपके सामने फार्मूले में आपको बता दूं कि जब आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन है, इस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन साइन हाइपरबोलिक का क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर से जो इसके साथ हाइपरबोलिक एच के आगे एंगल पड़ोगा एक्स, उसका डेरिवेटिव। इधर भी ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव फंक्शन का वो आया साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इस एक्स का डेरिवेटिव अलग से साथ में मल्टीप्लाई। फिर से टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव वो आपके पास होगा सेकंड स्केल हाइपरबोलिक, और साथ में x भी आ जाता है, और अब इस x का डेरिवेटिव जो हाइपरबोलिक के साथ पड़ा होगा उसका डेरिवेटिव। फिर से आपके पास अब इसी हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव, कि जब साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x होगा उस वक्त आपने लिखना है 1 ओवर स्क्वायर रूट या अंडर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर, और साथ में जो हाइपरबोलिक इनवर्स के आगे पड़ा होगा उसका डेरिवेटिव। इसके बाद cos इनवर्स हाइपरबोलिक उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो लिखेंगे 1 ओवर 1 माइनस जो हाइपरबोलिक के साथ पड़ा उसका स्क्वायर, और फिर उसी का डेरिवेटिव, और आगे tan इनवर्स हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक इनवर्स, सॉरी कहना था हमने कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर जो यहां पे पड़ा है, और इसी का साथ में डेरिवेटिव। अब आइए इन फार्मूलों के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें जी कैसे हमने फाइंड करना है dy by dx क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा टेकिंग आर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है x वेरिएबल के जरिए। तो हमने लिखा dy ओवर डी एक्स, इधर भी हमने लिया डी ओवर डी एक्स, और साथ में लिख दिया कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब इस राइट साइड का डेरिवेटिव देखें जी, कॉस हाइपरबोलिक 2x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 2x एज इट, और डेरिवेटिव किसका, हाइपरबोलिक से आगे जो लिखा हुआ उसका, वो क्या है 2x। तो यहां पे हमने लिखा साइन हाइपरबोलिक 2x डॉट लगाकर ये वाला, और देखिए 2 कोएफिशिएंट है तो वो लिखा स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया डॉट 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर, तो 2 को आप स्टार्ट में ले लें तो ये लिखा गया 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। ये है आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब आइए इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू cos, सॉरी साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक 3x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं उसी तरह से डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग आर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमने इधर लिया dy ओवर dx, और इधर भी हमने लिखा d ओवर dx, इसका लेना है साइन हाइपरबोलिक 3x का। तो देखें जी राइट साइड को सॉल्व करें, साइन हाइपरबोलिक 3x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक 3x एज इट, और डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो हाइपरबोलिक के बाद में पड़ा वो क्या है 3x। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, देखें जी क्या लिखा जाएगा, dy ओवर dx एज इट, और इधर हमने क्या लिखा कॉस हाइपरबोलिक 3x डॉट लगाकर, देखें जी 3x का डेरिवेटिव कोएफिशिएंट स्टार में, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपने यहां पे क्या लिख दिया 3। अब 3 इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लिखा स्टार में 3 cos हाइपरबोलिक 3x dy by
डी एक्स। ये था आपके पास पार्ट नंबर टू। अब आइए इसी का पार्ट नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर थ्री, थ्री आपके पास पार्ट लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी टेन हाइपरबोलिक इनवर्स, और साथ में लिखा हुआ है साइन x। लॉ कीजिए आपके पास आ गया जी पार्ट नंबर थ्री। अब पार्ट नंबर थ्री देखें जी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उसी तरह से डेरिवेटिव लें, टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल के जरिए। तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी लिखा डी ओवर डी एक्स, किसका लेना है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सॉरी एक्स नहीं, यहां पे क्या है साइन एक्स। अब आइए इसका लेते हैं डेरिवेटिव, कैसे लिया जाएगा राइट साइड। तो देखें जी ये लिखा हुआ है, हमने लिखा वन, वन के नीचे हमने लिखा ये वन, और आगे ये माइनस, माइनस के बाद आपने लिखना था जो हाइपरबोलिक इनवर्स के साथ एक्स उसका डेरिवेटिव। तो इधर एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स का स्क्वायर, और डॉट लगाने के बाद आपने डेरिवेटिव लेना था जो यहां पे लिखा हुआ है, वो क्या है साइन एक्स। ओके अब आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। वन एज इट लिखा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और इसके बाद ये डॉट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सिंपल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर वन या टू के अंदर पढ़ा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और साथ में इस एंगल का डेरिवेटिव एक्स, तो वो वन आएगा, वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे देखें, यहां पे हमने लिखा वन एज इट, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास इडेंटिटी फार्मूला होता है, एक इडेंटिटी फार्मूला क्या होता है कि जब आपके पास लिखा जाता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो अब आइए यहाँ पे देखें, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके को लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन एज इट, नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे ये डॉट डी एक्स, डी एक्स से कैंसिल होकर आंसर वन, वन मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स, तो आंसर कॉस एक्स। ये कॉस एक्स ऊपर वन से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे लिखा कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर कॉस वन टाइम, यहाँ पे टू टाइम, वन टाइम टू टाइम में से कैंसिल किया तो रह गया वन ओवर कॉस एक्स, और वन ओवर कॉस आपके पास किसके इक्वल होता है सिकेंट के, तो हमने ये लिख दिया सिकेंट एक्स। ये आपका आंसर है डी वाई बाय डी एक्स। पार्ट नंबर फोर के अंदर लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की पावर थ्री। तो अब आइए इसका भी हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करना डी वाई बाय ओवर डी एक्स। तो कैसे, हमने लिखा टेकिंग आर डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो इधर भी डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर भी लिया डी ओवर डी एक्स, किसका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की पावर थ्री का। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स चेक करें, जब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाए तो हमने लिखना है वन ओवर, ये लिखा हमने वन ओवर स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए हाइपरबोलिक के आगे क्या था एक्स, और उसका हमने क्या लिखा था नीचे एक्स का स्क्वायर, तो इधर क्या पड़ा है एक्स की पावर थ्री, और उसका हमने ऊपर क्या ले लिया फॉर्मूले का स्क्वायर, आगे डॉट लगाकर जो यहां पे लिखा उसका डेरिवेटिव वो था थ्री। तो वन एज इट स्क्वायर रूट वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री एक्स की पावर सिक्स, और इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर ऑन पावर स्टार्ट में, पावर में एक काम कर दिया पीछे टू, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। तो यहां पे वन एज इट वन प्लस एक्स की पावर सिक्स का स्क्वायर रूट, और यहां पे आपने क्या लिख दिया डी एक्स, डी एक्स हुआ कैंसल वन, वन मल्टीप्लाई बाई थ्री एक्स का स्क्वायर, तो वो वन से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो यहां पे आपने लिख दिया थ्री एक्स का स्क्वायर। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फाइव, y इज इक्वल टू log इंटू टेन हाइपरबोलिक x। अब इसको हमने फाइंड करना है, तो आइए टेकिंग आर डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहां पे भी हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लिया डी ओवर डी एक्स, और साथ में लिखा नेचुरल log इंटू टेन
tan hyperbolic x log। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जी कैसे। लेफ्ट साइड में आपने वही लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में आपने लॉग के साथ, देखेंगे लॉग वाला पहले फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि जब लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है तो एक दफा लॉग के जो साथ होता है वो नीचे टेन हाइपरबॉलिक एक्स और फिर जो नीचे लिखा है उसका डेरिवेटिव। नीचे क्या लिखा है आपने टेन हाइपरबॉलिक एक्स, तो अब देखें वन ओवर टेन आपके पास किसके इक्वल होता है कॉट हाइपरबॉलिक एक्स, वन ओवर टेन होता है कॉट के और इधर हाइपरबॉलिक है तो इधर भी हमने हाइपरबॉलिक एक्स लगा दिया, आगे ये डॉट और अब हमने टेन हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव। ये देखिए टेन हाइपरबॉलिक एक्स क्या होता है सेकेंट सेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स और साथ में उसी एक्स का डेरिवेटिव कॉट। अच्छा जी कॉस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डिवाइडिंग बाई साइन हाइपरबॉलिक एक्स, क्योंकि कॉट कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है, इधर हाइपरबॉलिक तो इधर भी हमने हाइपरबॉलिक लगा दिया और इसके बाद ये डॉट और डॉट के साथ हमने क्या लिखा सेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, डी एक्स से कैंसिल होकर आंसर क्या दिया वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डिवाइडिंग बाई साइन हाइपरबॉलिक एक्स डॉट लगाकर सेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा वन ओवर कॉस के, हमने लिखा कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स क्योंकि सेकेंट का पड़ा था तो नीचे कॉस का भी होगा क्योंकि सेकेंट क्या होता है वन ओवर कॉस होता है, तो ये देखिए कॉस वन टाइम यहाँ पे पड़ा यहाँ पे टू टाइम तो वन टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर वन रह गया वन, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा वन, नीचे आपके पास रह गया साइन हाइपरबॉलिक एक्स डॉट लगाकर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। अब आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पे वो बन रहा है, वैसे तो यहाँ पे भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, फार्मूला आपके पास क्या होता है साइन टू एक्स, वो होता है आपके पास टू साइन एक्स डॉट लगाकर कॉस एक्स डॉट लगाकर कॉस एक्स, तो अगर यहाँ पे साइन टू एक्स है तो अगर मैं यहाँ पे टू एक्स से पहले एच लगा दूं मीन्स हाइपरबॉलिक तो इधर भी एक्स से पहले एच यहाँ पे भी क्या होगा एच, तो ये देखें x से पहले h, x से पहले h, तो पता चला कि डॉट लगाकर यहाँ पे 1 अपने पास से लिख सकता हूँ और ये 1 आपको पता है कि आप लिख सकते हैं कि 1 को 2 ओवर 2 क्योंकि 2 2 से कैंसिल हुआ तो क्या दिया 1, तो आपका प्रूफ हो चुका है, तो इस 1 की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 2 और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वो मैं कैसे क्यों लिख रहा हूँ, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 और आगे ये डॉट लगाया और ये हमने लिखा 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, अब ये टू इसके साथ मिला दो तो चेक करिए सारी फिगर बन रही है, अगर यहाँ पे मैं एच एच लिख दूँ तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा साइन एच हाइपरबॉलिक टू एक्स, तो हमने टू वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिखा डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई वन टू डिवाइडिंग बाई ये सारा पार्ट किसके इक्वल आ गया साइन टू सॉरी साइन हाइपरबॉलिक टू एक्स। अब 1 के नीचे साइन पड़ा है 1 के नीचे, जैसे ये देखे 2 यहाँ पे अगर मैं लिखूं वैसे जैसे लिखा पड़ा था और डॉट ये 1 1 के नीचे साइन हो तो क्या किसके इक्वल होता है कोसिकेंट के इक्वल, तो लेकिन साथ में हाइपरबॉलिक पड़ा है तो हम कोसिकेंट के साथ भी क्या लिखेंगे हाइपरबॉलिक, तो यहाँ पे मैंने इक्वल में लिखा 2 और आगे ये डॉट फिर से लिखा कोसिकेंट हाइपरबॉलिक 2x, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर डी वाई बाय डी एक्स पार्ट नंबर 4, 5। पार्ट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर 2, तो पता चला आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन आइए इससे पहले हम इसको डेरिवेटिव की फिगर में लेकर आते हैं, तो यहां पे हमने लिखा टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इसका साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर टू का, आइए जी इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, तो देखेंगे साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स जब आएगा तो उसका फार्मूला आपका सामने क्या होगा वो देखिए सामने लिखा हमने लिखा वन वन के नीचे स्क्वायर रूट यहाँ पे वन प्लस लगाकर एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स बाई
टू और उसका क्या लिया स्क्वेयर, और आगे इसी का लेना है डेरिवेटिव डॉट लगाकर, ये डॉट और डेरिवेटिव किसका लिया एक्स ओवर टू का। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, वन एज इट स्क्वेयर रूट वन प्लस एक्स का स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई टू का स्क्वेयर लिया तो वो क्या बन गया फोर, और आगे हमने ये डॉट लिखा एक्स आप स्टार्ट में लिखें डेरिवेटिव किसका लिया 1 बाई टू और ये x, तो देखें कोएफिशिएंट आपने लिखा स्टार्ट में 1 बाई टू, ये देखें मैं अभी यहां से ही लिख देता हूं कि 1 ओवर 2 स्टार्ट में लिखा, डेरिवेटिव किसका लिया x का, तो वो क्या आ गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 ओवर 2 तो आंसर हो ही रहा 1 ओवर 2 मैंने लिख दिया स्टार्ट में, डॉट लगाकर 1 ओवर इसका आप ले ले एलसीएम क्योंकि इस 1 के नीचे क्या पड़ा है 1, तो ये 1 और प्लस के नीचे 4, तो दो रैशनल नंबर आपने एलसीएम इसका क्या लिया 4, 4 को 1 पे डिवाइड किया आंसर 4, 4 मल्टीप्लाई में 1 आंसर 4, आगे ये प्लस और 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर तो आंसर x का स्क्वायर। अब इसी के साथ 1 ओवर 2 एज इट, अब देखिए ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 और नीचे वाला आपने लिखा 2 into, यहां पे आप गौर से देखिएगा दोनों का स्क्वायर रूट ऊपर वाले का अलग करें नीचे वाले का अलग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे x का स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस का 4 बाद में और नीचे वाला स्क्वायर रूट आपने 4 को आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, ये देखें इस 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया कैंसल, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास इक्वल में आ रहा है 1 ओवर 2 और ये स्क्वेयर रूट एक्स की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 2, 2 2 से क्या हुआ कैंसिल, पीछे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर पार्ट नंबर 6। तो इसी पार्ट नंबर 6 के साथ आपकी ये एक्सरसाइज हुई वाइंड अप, मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7। ओके अल्लाह हाफिज़।